हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में, जिसमें हमारी बातें जो है कॉग्निजेंट, एसेंचर और विप्रो कंपनी को लेकर होने वाली हैं। तो ये वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है, जिसके अंदर मैं अपनी एक एक चीज़ जो है ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग रिलेटेड वो सारी चीज़ डिलीवर करने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए हम बात कर लेते हैं अपने पहले कंपनी जो हमारा है कॉग्निजेंट, और कॉग्निजेंट के ऊपर बात करते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग की अपडेट क्या रखी गई है। जैसा आपको पता है कि कॉग्निजेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए हायर करती है, और इनकी हायरिंग जो है पिछले लास्ट ईयर से जो है अभी फ्रीज कर चुका है, और अभी जो है इनकी ऑनबोर्डिंग की अपडेट कई लोगों को मिला नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा था कि इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 11th January 2024 है, और नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज आ चुका है जो कि हमारा 18th January 2024 है। ये दो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है कॉग्निजेंट का है, जिसमें जो आपका है ये जो अभी लेटेस्ट ज्वाइन है 18 जनवरी, इसके बारे में बताऊं तो इसमें जो आपका ज्वाइनिंग लोकेशन होने वाला है, यानी रिपोर्टिंग सेंटर जो है आपका, वो रिपोर्टिंग टाइम है चेन्नई। चेन्नई में जाकर आपको रिपोर्ट करना है। जिन लोगों को भी मेला है उनको चेन्नई रिपोर्टिंग लोकेशन दिया गया है, और ये जो है वो CST प्रोफाइल के लिए जो है ये जो है आपका ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग डेट आया है। तो ये आपकी जो है कॉग्निजेंट की तरफ से आई हुई है, और इसमें जो है क्या करना है कि आपको प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो है प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो है आपको मेल में दिया होगा, उससे पहले जो है आपको कर लेना है। क्योंकि 11 जनवरी का प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी तो आज की डेट था 5 जनवरी 2023 तक ये जो है कर लेनी है, और इसके बाद जो है आपका जो है ऑनबोर्डिंग का टाइम जो है वो सारे चीज़ शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो अपडेट होती है वो कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो अपडेट था आपका कॉग्निजेंट की तरफ से है, जैसा आपको मेल भी आया होगा, जिस मेल में इन्होंने क्या मेंशन किया है वो मैं बता देता हूँ। इस मेल में इन्होंने मेंशन किया है कि डियर कैंडिडेट ग्रेटिंग फ्रॉम कॉग्निजेंट, वी थैंक यू फॉर द एक्सेप्टिंग द सर्टिफाइड स्किल डेवलपमेंट ऑफर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू एट कॉग्निजेंट ऑफिस। वी वुड हैव रिसीव द क्रेडेंशियल टू लॉग इन टू कॉग्निजेंट पोर्टल, काइंडली फॉलो द स्टेप गिवन बिलो एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो इसमें जो है प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए आपको जो है कॉग्निजेंट के द्वारा एक पोर्टल प्रोवाइड किया गया हुआ है। पोर्टल का लिंक जो है आपको मेल में मिल जाएगा, मेल में आपको पोर्टल का लिंक दिया जाएगा, जहाँ से आपको मेल में जो लिंक होगा उस लिंक पे ओपन करने के बाद, लिंक ओपन करना है और ओपन करने के बाद जितनी सारे डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग और फॉर्मेलिटीज जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो जाकर आप ऑनबोर्डिंग के दिन जो है आप रिपोर्टिंग सेंटर पर जाएँ, चेन्नई हो तो चेन्नई जा सकते हैं। एक्चुअली बहुत लोगों का चेन्नई ही आया है, तो चेन्नई जाके आप अपने आप को रिपोर्ट करेंगे, यहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग होने के बाद जो है आपका इसके अंदर जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग तो ट्रेनिंग के टाइम ही हो जाता है, उसके बाद जो आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग जाएंगे। तो ये जो अपडेट थी वो कॉग्निजेंट की तरफ से थी। इसके अलावा इसमें कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है यहाँ देख रहे हैं रुपेश टेक का, यहाँ पर जाकर मुझे आप टैग कर सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्टली मुझे DM करेंगे तो DM के थ्रू जो है मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा रुपेश टेक के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ पे आप मुझे DM कर देंगे, DM के थ्रू रिस्पांस मिल जाएगा। बाद में कि हमारा यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट सेक्शन है कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिस्पांस मिल जाएगी। तो ये हमारी बातें जो थी वो कॉग्निजेंट के लिए था, और सेकंड जो हम अपडेट बात करने वाले वो हमारा एसेंचर की तरफ से होगा कि एसेंचर की क्या अपडेट रखी गई है उसके बारे में। तो आइए एसेंचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सेकेंड अपडेट जो है वो हमारे एसेंचर कंपनी को लेकर है, और एसेंचर कंपनी को लेकर हमारा क्या अपडेट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि एसेंचर कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब क्या हुआ कि एसेंचर कंपनी ने ऑफर लेटर सेंड करना शुरू कर दिया, ऑफर लेटर जो है इनके द्वारा सेंड किया जा रहा है, और ये जो सेंडिंग का टाइम हो चुका है वो 3rd जनवरी 2024 से ही ऑफर लेटर का जो है सेंड किया जा रहा है एसेंचर के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली कई लोग पूछेंगे कि ये किनको सेंड किया जा रहा है, तो इसमें जो है बहुत सारे लोग हैं जिसके वो ये सेंड किया जा रहा है। मैं बताता हूँ कौन कौन से बैच वाले हैं और किन किन को।
तो इसमें जो बैचेज है जो एसेंचर के अंदर जो अभी जिसको ऑफर लेटर सेंड किया जा रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी देर में एक कॉल अटेंड कर रहा था, तो इसमें जो बैचेज हैं उसके बारे में बता दूं कि इसमें जो अभी ऑफर लेटर सेंड किया जा रहा है इसमें जो बैच है वो 2024 बैच वाले भी हैं और 2023 बैच वाले भी हैं और इसमें 2022 बैच वाले भी हैं। ये तीन बैचेज वालों को जो है अभी इनके द्वारा दिया है, जिसमें एएससी रोल के लिए भी है और पार्ट रोल से भी है, ठीक है। तो ये रोल के लिए अभी इनके द्वारा दिया जा रहा है। एक्चुअली इसमें जो बैचेज हैं वो जुलाई और अगस्त वाले बैच वाले हैं, जुलाई और अगस्त के बैच वाले बच्चों को ये भेजा जा रहा है, ठीक है। जो रिमेन स्टूडेंट बच गए थे उनको ये जो है अब भेजा जा रहा है, रिमेन स्टूडेंट जो बच गए थे ज्वाइनिंग के लिए उनको अब दिया जा रहा है। इसमें भी अभी सारे स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा है, बैच में ही दिया जा रहा है, तो इट मे भी अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं हर बार बताता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो कंपनी का जो मेल होता है, मेल कम्युनिकेशन जहाँ से होती है वहाँ पे आप डायरेक्टली मेल करेंगे तो आपको जो है उसके द्वारा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो भी क्वेरी होगी उसके द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ऑफर लेटर दिया जो जा रहा है तो इसमें आपको क्या करना है ना, ऑफर लेटर को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपको मेल मिला होगा, इस मेल में जो है ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करेंगे, ऑफर लेटर जो है जाके ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगा, कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये ऐसा कर लेना है आपको, और किसी प्रकार की क्वेरी होती है, डाउट होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे डीएम करेंगे तो डीएम के थ्रू मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। बाद बाकी कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानी है तो कंपनी को भी मेल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अपडेट था वो एसेंचर कंपनी की तरफ से था, और सेकेंड जो अपडेट है जो अभी लास्ट होने वाली है थर्ड अपडेट, वो हमारा विप्रो कंपनी की तरफ से है, और विप्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं कि विप्रो की क्या अपडेट रखी गई है। तो आइए विप्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो विप्रो के बारे में बताऊँ तो विप्रो कंपनी भी काफ़ी लंबे समय से अपडेट नहीं दे पा रही है, लेकिन अभी जो अपडेट आई है वो अपडेट मैं आपको बताऊं, आज का ही अपडेट है वो। अभी जो अपडेट आई है विप्रो कंपनी के द्वारा वो ये अपडेट आई है विल्प वालों के लिए, ये अपडेट जो है विल्प वालों का लाया है। अभी जो अपडेट है वो टर्बो टर्बो और इलाइट वालों के लिए अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, नो अपडेट, ठीक है। तो जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि टर्बो इलाइट का कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। अभी जो अपडेट आया है ये सिर्फ विल्प वालों का अपडेट आया है, ठीक है। विल्प वालों का भी अपडेट आया है, और इस अपडेट में इन्होंने क्या मेंशन किया है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। विल्प में भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, जो हमारा वेस है, विम्स है, वेस है और विम्स है, इन दोनों को आया है, और इसमें इन्होंने मेंशन क्या किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट, ये जो अपडेट आई है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई है, जिसमें इन्होंने लिखा है क्रिएटिंग फ्रॉम विप्रो, वी हैव शेड्यूल अ सेशन फॉर यू विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम ऑफ विप्रो एंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेटर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। तो इसमें इन्होंने एक मीटिंग शेड्यूल की है जो विप्रो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम के द्वारा है, और इसमें जो है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी जिस डॉक्यूमेंट की, उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे, इसमें आपको हेल्प करेंगे जो भी आपको अपलोड करना होगा पोर्टल के ऊपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बीजीपी के लिए जो भी अपलोड करना होगा वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट लिखा है वी रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द सेशन एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ बाय क्लियरिंग ऑल योर डाउट, प्लीज फाइंड द बिलो सेशन डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सारी चीज़ें करनी होगी और आपको जो है मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो ये आपको विप्रो के द्वारा दिया गया है। तो ये जो है विल्प कैंडिडेट का मैंने पहले ही बताया था, जो विल्प से बिलोंग करते हैं इनकी सीटीसी जो है, सीटीसी बहुत ही लो है, ठीक है, सीटीसी बहुत लो है, जिसके कारण जो है ये अभी ऑनबोर्डिंग जो है विल्प का होगा, उसके बाद इलाइट का होगा और टर्बो का होगा, ठीक है। लेकिन अभी अपडेट क्या होगी पता नहीं, लेकिन अभी जो विल्प की अपडेट आई है, अभी जो जनवरी है इसमें हमारा Q3 का रिजल्ट आने वाला है, और Q3 का रिजल्ट आने के बाद आपका विल्प की ऑनबोर्डिंग हो सकती है कि ये स्टार्ट हो जाएगी, बाद में फिर टर्बो रिलाइट का देखा जाएगा। अभी कंपनी की रिक्वायरमेंट बनी है इसलिए आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट बनती है तो कंटिन्यूअस ऑनबोर्डिंग होगी, अगर रिक्वायरमेंट नहीं बनती है तो इट मे बी कि आपका ऑनबोर्डिंग वहीं से रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विप्रो का अपडेट था। इसके अलावा कोई भी अपडेट जानना हो, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो, आप रिक्वेस्ट को डीम करेंगे, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाद में की रहिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।